दोस्तों, हिंदी एंड्रॉइड टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आपने मोबाइल में कई सारी एप्लीकेशन को यूज किया होगा, कई सारी एप्लीकेशन को ट्राई किया होगा। लेकिन दोस्तों, आज जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, शायद ही आपने इससे पहले कभी ऐसी एप्लीकेशन यूज की होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको प्ले स्टोर के एक ऐसे सीक्रेट एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बाद दोस्तों जो भी बंदा आपके मोबाइल को देखेगा वो एकदम से चौंक जाएगा, उसको एकदम शॉक लग जाएगा और वो आपसे पूछेगा, भाई तूने ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड किया है, कैसे तूने इस ट्रिक को अप्लाई किया है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस ढांसू एप्लीकेशन के बारे में तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहां पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर दोस्तों आपको एक कमेंट कर देना है। कमेंट करना दोस्तों काफी जरूरी है, नाइस ट्रिक लिखकर आप यहां पर इसे सेंड कर दीजिए। इतना काम करके दोस्तों आप जरूर से मुझे सपोर्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। इसका नाम है मटेरियल नोटिफिकेशन शेड। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों, हम मोबाइल स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए नए नए वॉलपेपर यूज करते हैं, अपनी खुद की फोटो सेट करते हैं, कभी छोटे बच्चों की फोटो सेट करते हैं, इसी तरह से दोस्तों आप मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल में भी अपना खुद का फोटो सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपना फोटो सेट किया होगा, लेकिन दोस्तों आपने शायद ही कभी अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल में अपना खुद का फोटो सेट किया होगा। यहाँ पर आप अपना खुद का फोटो सेट कर सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का सेट कर सकते हैं, या अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका भी फोटो आप मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल में सेट करके नोटिफिकेशन पैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहां से सेटिंग को ऑन करना है, इसके बाद यहां पर आपको इन तीनों सेटिंग को ऑन करना होगा और परमिशन देना होगी इस एप्लीकेशन को। अगर आप इसे ठीक तरह से परमिशन नहीं देंगे तो ये ऐप दोस्तों प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से मैं फटाफट इस एप्लीकेशन को परमिशन देता हूं और यहां से आते हैं बैक, और ये रही आखिरी, और यहां से इसे भी हम अलाउ कर देते हैं। यहां से आते हैं बैक, अब यहाँ पर डन कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, कस्टमाइज बैकग्राउंड इमेज, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपने पहले से कोई इमेज सेट करके रखी है उसे आप हटाना चाहते हैं तो आपको रिमूव पर क्लिक करना है। अगर आप कोई नई इमेज सेट करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है, परमिशन दे देना है और यहाँ पर आपको गैलरी को चूज कर लेना है। अब जो भी फोटो आप सेट करना चाहते हैं उस फोटो को दोस्तों आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर क्रॉप पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप अपना खुद का फोटो सेट कर सकते हैं और जो भी बंदा देखेगा दोस्तों वो एकदम से चौंक जाएगा और वो आपसे एक बार जरूर पूछेगा, भाई तूने कैसे नोटिफिकेशन पैनल में अपना खुद का फोटो सेट किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।